नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में जामिया विश्वविद्यालय के नज़दीक प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई तोड़फोड़ और सीलमपुर में हिंसा के बाद देश भर में पुलिस सतर्कता बरत रही है। उत्तर प्रदेश में भी नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कई विश्वविद्यालयों और शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनको लेकर यूपी पुलिस सख्त हो गई है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक ट्वीट कर लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन में शामिल होने के अपील की है। सीएए के खिलाफ समाजवादी पार्टी समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन का आह्वान किया है। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि पूरे प्रदेश में धारा 144 के तहत बिना अनुमति के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी ने सीएए और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा कुछ अन्य संगठनों ने भी ऐसे ही प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाने की योजना की है। प्रदेश में 19 दिसंबर को 144 सीआरपीसी की धारा लगी हुई है। अतः मैं अपील करूंगा अपने सभी गार्जियंस पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को इस दिन कहीं पे भी जाने के लिए प्रेरित न करें, उन्हें डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन में जाने के लिए नहीं बताएं, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कानून के विरोध पर यूपी में भी प्रशासन सतर्क है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर धारा 144 लागू की गई है, जिससे किसी प्रकार की अराजकता ना होने पाए। यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। तो एक तरफ जहाँ पर बंद बुलाया गया है, धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है, दूसरी ओर डीजीपी ने सख्त लहजे में कहा है कि यहाँ पर कोई भी प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं है।